नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। क्राइम पेट्रोल के इस अध्याय में हम आपको ऐसे केसेस दिखाएंगे जो महीनों हमारी चर्चा का विषय बने रहे। जन्म देने वाला शिशु जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा पीड़ा भोगता है। पीड़ा जब जिंदगी देती है तो दर्द भी जश्न बन जाता है, लेकिन जो पीड़ा अपराध और अपराधी को जन्म देती है वो सिर्फ विनाश करती है। इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी, यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच। जी जी सर, बोलिए। कमरा नंबर 201 किधर है? 201 तो सेकंड फ्लोर पे है सर, लेकिन 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 छोड़ो, मास्टर की दो, पुलिस रेड है। बोलो ना, पुलिस रेड है? सॉरी सर। शांति बना के रख। जी सर। बैठ जाइए आप लोग, डरने की कोई बात नहीं है। रे कितना टाइम लगाएगी डॉली, 500 किलोमीटर और आगे जाना है। बर्थडे है तुम्हारा, ढंग से तैयार भी नहीं होने दोगे क्या? सुबह से जाने की जल्दी मचा रखी है। अरे मन ने अपना बर्थडे होटल में ना बनाना, और तू यहाँ जल्दी निकल रही कौन है? क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाली है? रे सरप्राइज क्वीन, बता भी देख क्या गिफ्ट देने वाली है। अगर गिफ्ट मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो सरप्राइज कैसा? सबर रखो। ऑपरेशन विनाश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा मिशन जिसमें उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच द्वारा पुणे में किया गया एक एनकाउंटर मीडिया की सनसनी बन गया। पुलिस एनकाउंटर यानी पुलिस और अपराधी का ऐसा आमना सामना जिसमें अपराधी को जिंदा पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जब अपराधी बेकाबू होकर पुलिस पर हमला बोल देता है तो जवाबी फायरिंग में अक्सर अपराधी पुलिस की गोलियों से मारा जाता है। 12 मार्च 2017 को पुणे के एक होटल में किया गया यूपी क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर फेक एनकाउंटर माना जाने लगा। यहां तक कहा गया कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने सुपारी लेकर एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई थी? और उस होटल के रूम नंबर 201 में मौजूद वो लड़का लड़की कौन थे? क्या वो ऑपरेशन विनाश के खलनायक थे या फिर पीड़ित? अरे ठीक है यो, बता कि तेरे सारे डाउट क्लियर हो गए अब? जी मार साहब। पर एक बात ध्यान रखना कि इस बार 70% से कम नहीं आने चाहिए तेरे। मार साहब 80% से कम आ गए ना, तो आपका जूता और मेरा सर। अच्छा यो बता, तेरी माँ की तबीयत तो ठीक है? भाई आ गया? हो तो आज गए कौन नहीं। अच्छा अलैयो को भाई दफ्तर घर ले आया? आ गया तू? हाँ। ए सुलोचना, थोड़ी सी चाय बना ले, संतोष भी आ गया। एले माँ, तेरी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले आया, एले सुबह शाम हफ्ता भर खाइयो, हफ्ता भर में दंगल लड़ने लग जाएगी तू। जीते जी जवान बिट्टू को ना बचा पाए, इब के दंगल लड़ूंगी। माँ की बात करे तू भी, राक्षसी करनी का दोष तो राम जी को क्यों दे गए? देख नवीन भैया तो बा ना सके, पर हम सब तो है ना तेरे साथ। चल तेरा सास बहू वाला सीरियल देखेंगे। पापा ने आया अभी तक? भाई तू तो जाने पुलिस की नौकरी ने, उनका जाने का टाइम हो वैसे आने का नहीं। अरे आगे लगता है आगे। पापा कहाँ? आगे बेटा, फिर जाना वापिस। अच्छा, और तबीयत कैसी है? पापा ने दे दे। तबीयत तो ठीक है। हेलो
इब अरे नहीं रे बहुत लेट हो गया रख के बात होगी बेटा अच्छा मैं कॉल करूँ पापा वो नोट लेने जाना है एक दोस्त से कल वो बाहर चला जाएगा तो कोई बात नहीं चढ़ा जा पर टाइम से आ जाइए हाँ पापा मैं अभी आया बस भाई बेराना क्या हो रहा है आजकल कोई लड़की दिखाई ना दे रही यार ट्यूशन क्लास में बिचारे के सारे लोंडे भरे पड़े हैं भाई वो न्यूज वाली सच बोल रहे इंडिया में छोरों के अनुपात में छोरियां थोड़ी कम है नहीं क्या है बसंत मचा रखी है यार मन्ने की लड़की देखने के लिए बुलाया था पापा से झूठ बोल के आया मैं अरे तो तू वकील बनकर कौन सी सच बोलेगा भाई चल चल आ जा प्रैक्टिस कर ले यार तू यार रोज का यही चक्कर ए छोरे ये कागज ले और साइन करा के लेके अपने पुलिस बाप से बोल दियो कि ताऊ ने भेजा है नाम ले लियो मारा लोकेंद्र जानता है ना ले पढ़ के देख रहा है पता नहीं कितने तेरे बाप ने तेरे भाई को ही बड़ा दूध घी पिलाया था पर ऐसा गायब किया कि कोई साबित नहीं कर पाया ये कागज साइन करा के आ अपने बाप से वरना जानता है ना तने भी भट्टी में झोंक देंगे मार 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 भुंडे बना दे कमीड को तो डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा मेरा बच्चा कैसा है देखिए बॉडी में 37 जगह चाकू गोदा गया है आई होप वो अच्छा हो जाए क्या हम उससे बात कर सकते हैं सॉरी सर वो अभी इस कंडीशन में नहीं है एक्सक्यूज मैंने कही थी ना यो शहर छोड़ दो पर तुमने मारी एक ना सुनी नवीन को मार डाला अरे संतोष हे भगवान अरे बच्चे को बचा ले सर जी ये लोकेंद्र ने हमारी हाईवे वाली जमीन के चक्कर में नवीन को जिंदा जला दिया था और अब संतोष को सर जी इस बार ऐसी चार्जशीट तैयार करो वो बाहर ना आ सके अटैक करते ही अंडरग्राउंड हो गया वो तुम टेंशन मत लो उसको तो हम उठा लेंगे तुम संतोष का ख्याल रखो आखिरकार संतोष को होश आया और उसने भी लोकेंद्र सिंह के खिलाफ बयान दिया लेकिन वो अब तक फरार था और 2 महीने की देखरेख के बाद संतोष ने रिकवर कर लिया लेकिन संतोष का परिवार अब भी दहशत में था दरवाजा क्यों खोल रखा बंद कर क्या क्यों पर्दे भी खोल रखे इसने माँ रो रो के कुड़ती रहे पापा सोच सोच के घुटते रहे कि पुलिस वाला होके भी अपनी औलाद को इंसाफ न दिला पाया सब डरे हुए हैं घर में बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ आज थोड़े दिन तो आड़े थे दूर चला जा वरना वो लोग के अंदर तेरा जीना आराम कर रहे अरे भागने से ये समस्या का हल नहीं होने वाला लोकेंद्र जैसे लोगों से भरी पड़ी है दुनिया तो फिर क्या करेगा तू जान से मार दूंगा साढ़े ने बावड़ा हो गया कि तू लोकेंद्र सिंह है वो हर शेर का ना सवा शेर हो है संतोष सोलंकी पर हुए जानलेवा हमले के बाद से लोकेंद्र सिंह अंडरग्राउंड था एक तरफ गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने में जुटी थी और वहीं उसके हमले का शिकार संतोष सोलंकी भी उसे ढूंढ रहा था पर उसकी ये तलाश उस फैसले में बदल पाएगी बोला था ना कल मैं चलाऊंगा और वो गाड़ी चढ़ा देता कहाँ भाग रहे हैं? लॉयर बनने का सपना देखने वाले संतोष ने लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर लोकेंद्र सिंह को वो अंजाम दिया जो उसकी नजर में प्रतिशोध था लेकिन कानून की नजर में वो अपराध है माना कि लोकेंद्र सिंह ने संतोष के बड़े भाई की हत्या
संतोष पर जानलेवा हमला और ना जाने कितने ही अपराध किए, लेकिन कीचड़ में फेंका गया पत्थर हमें ही गंदा करता है और ये गंदगी संतोष का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। लोकेंद्र सिंह की हत्या के विटनेसेस में से जो लोग संतोष की पीड़ा से वाकिफ थे उन्होंने पुलिस के सामने जबान तक नहीं खोली और बाकी उसके डर से खामोश रह गए। लेकिन इसी तरह की खामोशी ने लोकेंद्र सिंह को न जाने कितने ही पीड़ितों का अपराधी बना दिया था। अगर तब आवाज उठती तो शायद आज संतोष से वो अपराध ना होता और ना ही अब ये चुप्पी संतोष को विनाश की राह पर ले जाने से रोक पाई। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। राम राम। राम राम। क्यों रे छोरे, गाड़े आ जंडे। हाँ ताऊ, उस शेर का पाव शेर भी ना बचाए, हर शेर का ना सवा शेर हो गए। वो लोकेंद्र पाव शेर ही था मेरे लिए, पर जब तो उसका ठिकाना पूछना है ना छोरे, दिल से आ गया तेरे पे। अब बता आगे की क्या सोची है ताऊ? आगे एक काम कर, मेरे साथ हो ले, कोई तेरी पूंछ भी नहीं पाड़ पाएगा। अखिलेश सिंह मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक के इलाकों का एक नामी गैंगस्टर था और अखिलेश के गैर कानूनी धंधों के भागीदार बनते चले गए। पर जुर्म की दुनिया में कोई अकेला शेर नहीं होता, हर शेर का एक सवा शेर होता है और अखिलेश सिंह का सवा शेर था रविंद्र सिंह जाट, जो कि एक व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन था, लेकिन धंधे उसके भी गलत थे। रविंद्र भाई साहब, इस अखिलेश सिंह का गड़ा फोड़ना ही पड़ेगा, बड़ा ही पानी छलक रहा है। इस रविंद्र के कुएं सुखाने हमने, बड़ा नेता बनने की सोच रहा है, उसकी नाक में नकेल डाल के जूते चटवाने हैं मैंने उससे। अरे अपने पास पटाखों की कमी है के जो सलाह लग रहा है? देख मने करनी है तकरीब, तू दिवाली खेल। अखिलेश सिंह और रविंद्र सिंह जाट की दुश्मनी की वजह से शहर में आए दिन गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही थीं। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे और इसी दौरान यूपी क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी की पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई और उसकी अगवाही में अपराधियों की नकेल कसने का ऑपरेशन चलाया गया। साल 2007 में संतोष को उसके दोस्तों के साथ 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसकी वजह से संतोष के पिता राम अवतार की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और जेल से छूटने के बाद संतोष सिंह सोलंकी ने एक नया इतिहास लिखने की सोची। ताऊ कह रहा था कोई मारा बाल भी ना पाड़ पावेगा, पर के कर लिया उसने। हाँ भाई, बाहर आते ही कुत्तों की तरह हुकुम झाड़े हम पे। जुर्म की दुनिया में ना अपना बाप खुद बनना पड़ता है, और अब कुत्ते नहीं बाप बनेंगे। बाप रविंद्र सिंह जाट कल एक लैंड डील के लिए बागपत जा रहा है, हम अखिलेश को रविंदर की टिप देंगे। कहाँ पे? अखिलेश रविंदर को मारने का मौका छोड़ेगा नहीं, और हम अखिलेश को रण में अकेला छोड़ के भाग जाएंगे। गलत इरादों ने संतोष सिंह सोलंकी को सोलंकी गैंग का सरगना बना दिया। उसने जुर्म की दुनिया में ऐसा पांव फैलाया कि वो कई अवैध धंधों का मालिक बन गया और पुलिस के लिए एक मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल। चल। मैं इसी होटल में जॉब करती हूँ। अच्छा, तो होटल मैनेजमेंट किया था आपने? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग करनी है। और वैसे राजेश बता रहा था कि आपकी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काफी जान पहचान है। मुंबई?
हाँ थोड़ी बहुत। वैसे आप मेरी हेल्प करेंगे ना? प्लीज। जी आप फिक्र मत करो, आपको जो हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे। डॉली और संतोष की मुलाकातों का यह सिलसिला एक गैंगस्टर और एक सामान्य लड़की की प्रेम कहानी की दास्तान लिख रहा था, जिसका खामियाजा वो दोनों भुगतने वाले थे। डॉली, आज के बाद उस गुंडे के साथ कभी दिखाई नहीं देगी। देखिए पापा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, और मैं उससे मिलना छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा है। लेकिन बेटा मेरी सही तो कह रही है वो। मेरी बेटी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, समझे तुम? पर तुझे पता भी है किस गुंडे के साथ घूमने लगी आजकल ये? अरे उसकी मुंबई में बहुत जान पहचान है, मदद कर रहा है इसकी, तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तेरे सपने भी सॉलिड हैं और इरादा भी। मैं अपना सपना भले ना पूरा कर पाया, पर तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हारा कौन सा सपना है जो तुम पूरा नहीं कर पाए? अरे लॉयर बनना चाहता था मैं, पर वो कहते हैं ना किस्मत में हो लल्लू तो क्या करेगा गुल्लू। क्या वह तुम्हारे पे हंस रही है? नहीं नहीं नहीं, तुम पर नहीं, तुम्हारी बातों पर हंस रही हूँ। तुम बहुत क्यूट बोलते हो। वैसे क्यूटी पर तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, गोवा चले? गोवा छोरिया के गेल। वाह भाई मौज हो रही से। रे तुमने मौज करने की मनाही थोड़ी है, तुम भी चल लो। पर भाई तेरे पास तो छोरी है, हमारे पास के है। रे तू टेंशन क्यों ले रहा, इंडिया में छोरों के अनुपात छोरियां कम है, हम इंपोर्ट कर लेंगे। सब सामान रख लिया? हाँ सब रख लिया। हाँ आराम से जाना, फोन करना। हा? हाँ लगता है आगे। चलो 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 माँ, लेट हो रही है। हाँ फोन करना। जी ये फॉरेनर्स कौन है? दोस्त हमारी, चाइल्डहुड फ्रेंड। चलो बैठो बैठो बैठो। जयंत सर। कहाँ हो त्यागी? सर एक क्रिमिनल को लेकर के थाने जा रहा था। जयंत सर। जयंत, इसे यहाँ क्यों लाए? बहुत चालाक है सर, दो बार पहले भी भाग चुका है, इस बार कोई चांस नहीं देना। अब तुम संतोष सिंह सोलंकी को धरने के बारे में सोचो, इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी। क्या इन्फॉर्मेशन है सर? जाओ बता। चल रही से कहाँ से उठाए रे? Hey, चल back, चल। इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी, यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच। किडनैपिंग और मर्डर के 40 साझा केसेस हैं इस पर। हम तो इसे अरेस्ट करने आए थे, लेकिन ये उल्टा हम पर गोली चलाने लगा, इसलिए इनकाउंटर करना पड़ा। अगर आपके पास इसके यहाँ छिपे होने की टिप थी तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर आपको साथ लेने का वक्त नहीं था, जब तक आपको पूरा मामला समझाते ये गोली हो लेता। सर होटल के स्टाफ ने बताया कि इसके साथ एक लड़की और दो कपल भी आए थे। वो दो लड़के इसके राइट हैंड हैं, दलबीर और राजेश। ऑपरेशन के वक्त शायद होटल के बाहर रहे होंगे, इसलिए भाग गए होंगे। और वो तीन लड़कियाँ, उनका संतोष सोलंकी केस से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जो दो अंग्रेजन है वो अपने आप को प्रोसिक्यूटर बता रही है, और हाँ एक इंडियन है जो वो संतोष सोलंकी को अपना बॉयफ्रेंड बता रही है।
आइए। मैं नहीं जानती थी कि वो गैंगस्टर था। मैं तो उससे He cheated with my feelings. तो जब ये एनकाउंटर हुआ तुम कहाँ थी? मैं वॉशरूम में थी। बहुत जोर से शोर हुआ तो उसी आवाज से मैं बाहर आई। हमारे प्रदेश का गंध आपके प्रदेश में घुस आया था। अब आप साफ करें या हम, गंध तो साफ करनी थी। अब इजाजत दीजिए। संतोष सोलंकी का एनकाउंटर इस प्रदेश के सभी असामाजिक तत्वों के लिए एक चेतावनी है कि प्रदेश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को असंतुलित करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी की टीम के इसी साहसिक कार्य के लिए यूपी पुलिस ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है। थैंक यू। देखिए, हमारा मकसद अपराध को खत्म करना है, लेकिन जब कभी अपराधी बेकाबू हो जाते हैं तो हमें उन्हें भी खत्म करना पड़ता है। मैं मीडिया के माध्यम से संतोष के साथी तलबीर और राजेश से ये अपील करता हूँ कि खुद को सरेंडर करके न्यायालय के सामने अपने आप को सरेंडर करने में हमारी मदद करें। त्यागी जी, पुलिस विभाग ने ये घोषणा की थी कि संतोष सोलंकी की सूचना देने वाले को 2,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा जी। तो आपको उसके पुणे में छुपे होने की सूचना किसने दी? देखिए, ये सूचना हमें हमारे रिसोर्स से मिली थी, लेकिन हम मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सॉरी। सर, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए ना, आपने ये सब कैसे किया? सर, इस केस में जो गाजियाबाद पुलिस ने जिस क्रिमिनल का एनकाउंटर किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई? सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट आने में अभी 2 दिन लगेंगे। और संतोष की बॉडी को उसके घरवालों को सौंपने के लिए मैंने गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने इस केस की जो क्लोजर रिपोर्ट बनाई है वो मंगवा। ओके सर। कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, लेकिन संतोष सिंह सोलंकी एक कुख्यात अपराधी बना और संतोष सिंह सोलंकी के एनकाउंटर के बाद आइए उनके घर वालों का क्या कहना है जानते हैं। आप संतोष सिंह सोलंकी की माँ हैं, हम जानते हैं आपको आपके बेटे का मरने का दुख है, लेकिन उसने जो अपराध किए हैं वो भटक गया था। उसने गुनाह किया था तो उसने पकड़ के अंदर डाल देते, पर उसने मारा क्यों? हमने सुना आपने संतोष के डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, इसकी वजह क्या है? हमें ऐसा लगता है जी, पुलिस ने बैंक एनकाउंटर किया है, उन्होंने हत्या की है संतोष की। क्या आप सांत्वना बटोरने के लिए गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं? हमने पूना कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करवा दी है, और जब तक उसके एनकाउंटर की सही से तहकीकात नहीं हो पाएगी हम संतोष की डेड बॉडी नहीं लेंगे। संतोष चाहे जिन भी परिस्थितियों वश अपराधी बना हो, लेकिन अपराधी ना तो दया का पात्र बन सकता है और ना ही सांत्वना का। लेकिन ये केस संतोष के गुनहगार या बेगुनाह होने का डिस्कशन नहीं था, बल्कि इन सवालों पर खड़ा था कि क्या संतोष को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की संभावना थी या फिर उसका एनकाउंटर एक साजिश थी। संतोष के परिवार के गंभीर आरोपों और मीडिया के दबाव ने इस केस का रुख बदल दिया और अदालत ने पुणे पुलिस को इस एनकाउंटर की जांच करने के आदेश दिए। लेकिन जिस पुलिस टीम को उनके राज्य में हीरो समझकर सम्मानित किया जा रहा हो, उनके खिलाफ जांच करना पुणे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस बार ये जंग पुलिस और क्रिमिनल के बीच नहीं, बल्कि 2 राज्यों की पुलिस के बीच थी। कोर्ट का ऑर्डर है संतोष सोलंकी के एनकाउंटर की जांच करने का। आप लोगों को क्या लगता है, ये एनकाउंटर सही है या गलत? सर, अभी तो कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उस गैंगस्टर के पास से जो पिस्टल बरामद हुई थी वो केरला के एक बिजनेसमैन की लाइसेंस पिस्टल थी जो 2 महीने पहले चोरी हो गई थी। हो सकता है वो पिस्टल संतोष ने या उसके किसी आदमी ने चोरी की हो। लेकिन सर, गाजियाबाद का नामी क्रिमिनल जो खुद इलीगल वेपन्स में डील करता था, उसका केरला से चोरी हुई पिस्टल से कनेक्शन कुछ बनता नहीं है। ठीक है, आप लोग सब कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए। सर, हो सकता है संतोष का केरला में कोई कनेक्शन हो, और वैसे भी वो एक नामी क्रिमिनल था, फिर उसके एनकाउंटर की जांच की क्या जरूरत? सावंत, हर क्रिमिनल को सरेंडर करने का हक होता है। अगर ये एनकाउंटर फेक था तो कानून की नज़र में यूपी पुलिस के वो ऑफिसर भी मुजरिम हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था। सबसे पहले एनकाउंटर वाले दिन का होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। राइट सर। सर, ये दोनों स्टेयर्स की तरफ आ गए,
लेकिन वहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है। जब ये कमरे से निकला इसके हाथ खाली हैं, तो वो केरला वाली पिस्टल जो क्राइम सीन से बरामद हुई थी वो कहां गई? सर हो सकता है संतोष ने वो पिस्टल बाथरूम के अंदर रखी हो। चल मान भी लूं कि उसने बाथरूम में पिस्टल छुपा के रखी थी, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन पुलिस पे गोली चलाने की थी तो भागते हुए कहीं भी उसने पिस्टल निकालने की कोशिश नहीं की। देखो काय तेरी झोल आए है। सर अभी अगला स्टेप क्या लेना है? वो लड़की डॉली जो संतोष को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी वो गाजियाबाद से पुणे उसके साथ आई थी, दोनों एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। उससे पूछ के देखते हैं कि संतोष के पास उस दिन पिस्टल थी या नहीं। आजकल कहां ठहरी हुई है वो? हाँ सर, वो पिस्टल रखता था। अच्छा, तो उस दिन उसके पास गन थी? कह नहीं सकते सर, उसने तब तो पिस्टल फेंकी नहीं थी, लेकिन हो सकता है बाद में उसने फेंक दियो। तो जब पुलिस एनकाउंटर करने के लिए तुम दोनों के कमरे में आई, तुम कहाँ थे? सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बाथरूम में नहा रही थी। लेकिन इतना तो पता चला होगा कि बाहर पुलिस आई है, तो जब पुलिस आई तो संतोष और पुलिस के बीच में क्या बातें हो रही थी? सर मैंने कुछ नहीं सुना था, मैंने आपसे कहा मैं नहा रही थी तो इसलिए पानी की आवाज़ में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पहले तुमने कहा था कि तुम्हें इस बात का नहीं पता था कि संतोष एक गैंगस्टर है, लेकिन वो अपने पास पिस्टल रखता था। उसने मुझसे कहा था कि उस पिस्टल का उसके पास लाइसेंस है और वो अपने काम के बारे में मुझसे कभी डिस्कस नहीं करता था। इनफैक्ट मुझे अभी पता चल रहा है कि उसका नाम संतोष था। हाय, मेरा नाम डॉली है। हेलो राजन, नाइस टू मीट यू। मैं तो यही मान रही थी कि उसका नाम राजन था और मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे। सर सुना है पुणे पुलिस हमसे पूछताछ करने आ रही है। सर ये क्या बात हुई? हमने एक क्रिमिनल का इनकाउंटर किया है और ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम खुद क्रिमिनल हो। सिंह साहब बीपी हाई ना करो, यूपी पुलिस ने जो हमें सम्मान और इनाम दिया है वो पुणे पुलिस की पूछताछ से वापस नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर होने के नाते कोर्ट का सम्मान करना भी आपका और हमारा फर्ज है। हमें कोर्ट ने आदेश दिया है संतोष सोलंकी केस को इन्वेस्टिगेट करने का, आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। दीक्षित साहब हम भी अपनी वर्दी के लाल हैं, अगर कोर्ट ने आपको परमिशन दी है अपनी लाल करने की तो पूछे क्या पूछना। ऐसा क्या हुआ था कि संतोष सोलंकी को अरेस्ट करने के बजाय आपको गोली चलानी पड़ी? गोली पहले उसने चलाई। त्यागी जी उसके पास पिस्टल थी ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली जिस जगह उसे गोली मारी गई वहाँ सीसीटीवी नहीं था। सीसीटीवी नहीं था तो हम झूठे हो गए? वो पिस्टल संतोष सोलंकी की ही थी। ये थी उस एनकाउंटर की पूरी असलियत। आप जितनी भी इंक्वायरी कर ले ये असलियत नहीं बदलेगी। तो उसके पास पिस्टल थी? हाँ थी। केरला की पिस्टल थी वो? जी। आप तो संतोष सोलंकी का पूरा इतिहास जानते हैं। जी। तो संतोष सोलंकी का केरला से क्या कनेक्शन था? देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उससे केरला से क्या संबंध था, लेकिन वो पिस्टल उसके पास थी। संतोष सोलंकी पुणे के एक होटल में छिपा हुआ था, ये टिप आपको किसने दी? मैं उसका नाम नहीं बता सकता, सॉरी। वजह? दीक्षित साहब संतोष सोलंकी अपराधी नहीं, एक गैंग है। मैं अपने इन्फॉर्मर का नाम बताकर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारे सीनियर क्रिमिनल के पीछे भागे तो तुम लोग कमरे में क्यों रुक गए? सर बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद था और हम उन्हें कवर कर रहे थे, हमने लगा भीतर कोई क्रिमिनल होगा, लेकिन अंदर डॉली थी। अच्छा अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी टैप या शार की? नहीं जी, अंदर से तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सर डॉली ने बोला कि उसने कमरे से कोई आवाज़ नहीं सुनी। पर सावन डॉली झूठ क्यों बोलेगी? और अगर पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं तो उनके झूठ बोलने का मकसद? सर दोनों तरफ के बयानों में अंतर तो है। और एक बात सर, त्यागी ने हमें यह नहीं बताया कि उसे संतोष के उस होटल में छिपे रहने की टिप कहां से मिली। सर कहीं ये टिप डॉली ने तो नहीं दी? लेकिन डॉली टिप क्यों देगी? संतोष के दोनों राइट हैंड दलबीर और राजेश जो उसके साथ होटल में आए थे, हो सकता है उन्होंने संतोष का धंधा अपने कब्जे में करने के मकसद से ये टिप त्यागी को दी हो। पॉसिबल है सर, एक अपराधी अपराधी का दुश्मन हो सकता है। डॉली को इन्वेस्टिगेट करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि अगर वो एनकाउंटर फेक था तो त्यागी और उसकी टीम को किससे क्या फायदा हुआ होगा।
और ये भी पता लगाओ कि दलबीर और राजेश कहाँ छुप के बैठे हैं। ओके सर। अब इस एनकाउंटर से जुड़े पुलिस ऑफिसर्स और संतोष की गर्लफ्रेंड डॉली के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने के साथ साथ संतोष के राइट हैंड राजेश और दलबीर की भी तलाश की जाने लगी। और जल्द ही राजेश के मुंबई में छिपे होने की एक सूचना मिली और राजेश को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मैं तो संतोष के लिए अपनी जान भी दे सकता था, मैंने कोई टिप ना दी। दलबीर कहाँ है वो बता। वो जिस दिन संतोष का एनकाउंटर हुआ ना, हम अलग अलग हो गए। हमको लगा साथ में रहेंगे तो फंस जाएंगे और थोड़ा उलिया भी बदल लिया, लेकिन जैसा आप सोच रहे ना ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं संतोष को धोखा दे सकता था और न दलबीर। डॉली को संतोष के धंधे के बारे में पता था? नहीं नहीं जी साहब जी, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, 2-3 महीने पहले ही मिली थी उससे। वो डॉली को फिल्मों का शौक था, संतोष उसका शौक पूरा कर रहा था, उसके ऊपर पैसे भी लगाता था, उसके लिए फ्लैट भी खरीद रखा था साहब। संतोष ने डॉली को अपना नाम राजन बता रखा था? हाँ जी सर, लेकिन संतोष उससे प्यार करने लगा था, वो उससे शादी करना चाहता था। संतोष बुरे धंधे में एक अच्छा आदमी था साहब, औरतों की बहुत इज्जत करता था, उसने घड़ी छोरियों की शादी भी करवा रखी थी। चाहते तो उसको अरेस्ट कर लेते, लेकिन उसको जान से नहीं मारना चाहिए था साहब। सर, डॉली के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो पिछले 3 महीने से संतोष के टच में थी, और ये बात भी सही है कि संतोष ने डॉली के लिए एक फ्लैट भी खरीदा था। सर, संतोष से दोस्ती करके डॉली को फायदा बहुत था, मुझे नहीं लगता कि उसने संतोष के लिए कोई टिप दी होगी। सर, एनकाउंटर वाले दिन इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो सिर्फ अपने माँ के ही टच में थी। हेलो सर, डॉली का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसका घर भी बंद है। डॉली के अचानक गायब होने की असल वजह अभी तक साफ होनी बाकी थी, लेकिन वो कहां गायब थी ये पता करने के लिए पुणे पुलिस डॉली के माता पिता से पूछताछ करने गाजियाबाद पहुंची। नहीं सर, हमें नहीं पता कि डॉली कहां है। मैं तो उसको समझाते समझाते तंग आ गया था कि उस गुंडे से दूर रहा कर। आपने डॉली को बताया था कि संतोष सोलंकी जिसके साथ वो घूम रही थी वो इतना बड़ा अपराधी था? नहीं साहब, इतना बड़ा अपराधी था ये तो नहीं पता था, पर हाँ गुंडा जरूर था ये पता था। आप डॉली के पापा की बात मत सुनिए सर, जलते हैं मेरी बेटी की खुशी से। लेकिन संतोष ने डॉली पे पैसा तो खूब उड़ाया, इसे ही खुशी मानती हैं आप? वैसे आपको पता भी था कि संतोष कौन था क्या था? अरे वो कोई भी हो सर, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? प्यार करने लगी थी उससे, उसके चक्कर में इतना बदनाम हो जाएगी वो जानती भी नहीं थी, उल्टा लोगों के तानों के डर से हमसे अलग रहने लगी वो। लेकिन अब गायब कहाँ होगी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना हो। सर, डॉली जब से गाजियाबाद से पुणे की तरफ ट्रेवल कर रही थी वो लगातार एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना पेज भी अपडेट कर रही थी। ये देखिए सर, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से वो प्रकाश को अपनी लोकेशन का हिंट दे रही है? अगर वो ऐसा कर रही थी तो मकसद क्या था, क्योंकि पैसा तो उसे संतोष से भी मिल रहा था। एक मिनट सर। हेलो सर, इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी का दूसरे नंबर का पता चला है जो कि वो इस्तेमाल किया करते थे। सर, प्रकाश त्यागी के एक दूसरे नंबर का पता चला है जो वो यूज किया करता था। सर, एनकाउंटर वाले दिन प्रकाश त्यागी का दूसरा नंबर मनीष सिंह जाट नाम के आदमी से लगातार टच में था। ये देखिए सर, मैंने इस मनीष सिंह जाट के बारे में पता किया तो पता चला कि संतोष और मनीष सिंह जाट की आपस में काफी ठसन थी। किस बात को लेकर? मनीष सिंह जाट रविंदर सिंह जाट का छोटा भाई है, तो रविंदर और अखिलेश में दुश्मनी थी, हम अखिलेश के लिए काम करते थे, संतोष ने दोनों को मारने का प्लान बनाया था। अखिलेश सिंह के मरते ही हमने उसके सारे धंधों पे कब्जा कर लिया, और रविंदर सिंह के जेल जाते ही हमारा गैंग चल निकला। बस तब से रविंदर सिंह और मनीष ने दुश्मनी पाल ली थी संतोष से। सर, मैंने पता किया ये रविंदर सिंह जाट जेल में होने के बावजूद जेल के अंदर से अपना धंधा चला रहा है, तो हो सकता है उस एनकाउंटर की साजिश रविंदर की हो और मनीष सिंह जाट उसका रिमोट कंट्रोल। मनीष सिंह जाट से पूछताछ करते हैं।
क्या मनीष सिंह जाट ने इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी को संतोष का फेक एनकाउंटर करने की सुपारी दी होगी? पकड़ो इसे। तुम लोग भी इधर आओ। पकड़ लेने। हमें कहाँ लेके जा रहे हो? लेके चले सर। बाहर लगा नहीं त्यागी। इनको भी लेके आओ। भगवान माफ ना करेगा तुझे। देख लीजो। सर मैंने मनीष सिंह जाट के भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए। एनकाउंटर वाले दिन वो लगातार डॉली की माँ मोनिका सक्सेना के टच में था। डॉली की माँ के टच में था? यस सर। संतोष के एनकाउंटर वाले दिन तुम पूरा दिन मनीष सिंह जाट से फोन के टच में थी, क्या बातें हो रही थी उससे? बोलो। तुम्हारे घर में इतना कैश पड़ा हुआ था और तुम्हें मालूम तक नहीं? मुझे नहीं पता कि घर में इतना पैसा कहां से आया। डॉली कहां है? सर मुझे नहीं पता कि वो कहां है, पर हां उसकी मां जरूर जानती होगी कि वो कहां है। सर मैं सच में नहीं जानती कि डॉली कहां है। लेकिन तुम्हें वो पैसा मनीष सिंह जाट ने दिया था, राइट? बोलो। मारना मत, बताती हूँ। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है त्यागी, डॉली की माँ ने सब कुछ बता दिया है। मनीष सिंह जाट ने डॉली की माँ को पैसों का लालच देकर डॉली को संतोष का मुखबिर बनवाया था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, पर रविंद्र ने और मनीष ने एसीपी रवीश यादव को 5 करोड़ रुपए देकर इस प्लान में शामिल किया था, और मनीष जाट के कहने पर ही एसीपी ने प्रकाश त्यागी से यह एनकाउंटर करवाया था। एनकाउंटर वाले दिन डॉली अपनी माँ को संतोष की लोकेशन की अपडेट्स भेज रही थी, और डॉली की माँ मनीष सिंह जाट को, और मनीष सिंह जाट तुम्हें। एनकाउंटर वाले दिन जब डॉली ने अपने बाथरूम में होने की कंफर्मेशन भेजी, उसके बाद तुम लोगों ने उस होटल पर रेड किया। त्यागी तुम चाहते तो संतोष को अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर संतोष को वहां से भागने का मौका दिया। संतोष के पास पिस्टल थी नहीं, क्योंकि डॉली के कहने पर वो पिस्टल पहले पहन चुका था। वो पिस्टल तुमने ही क्राइम सीन पे प्लांट की थी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। तुम्हारे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। तुमने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह लिखा था कि संतोष ने तुम पर और तुम्हारी टीम के एक कांस्टेबल पर गोली चलाई थी, लेकिन जब हमने हॉस्पिटल से पता किया तो तुम अपने उस कांस्टेबल के साथ वहां अपना इलाज करवाने रात 9 बजे गए थे, जबकि एनकाउंटर हुआ था सुबह 11 बजे। असलियत यह है त्यागी कि तुमने अपने आप को और अपने कांस्टेबल को खुद गोली मारी थी। तो प्रकाश त्यागी, यही है ना उस फेक एनकाउंटर की असलियत? अब सिर्फ इतना बताओ कि वो फेक एनकाउंटर करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था? ये कोई फेक एनकाउंटर नहीं था, एक पुलिस वाले का फर्ज निभाया मैंने। संतोष सोलंकी हमारे प्रदेश का गंध था, उसको मारकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छाई का चोला पहन के बुराई करने से गलत काम को सही नहीं ठहरा सकते। संतोष सोलंकी को सजा देना कोर्ट का काम था, तुम्हारा नहीं, और तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया, तुमने अपराध किया है। पुणे पुलिस की थ्योरी फिलहाल इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी और उसकी टीम के कबूलनामे का बयान नहीं बन पाई थी, और डॉली के पिता की एक इंफॉर्मेशन पर डॉली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉली ने पुलिस हिरासत में अपने आप को बेगुनाह बताकर इस केस में अपनी मां को ही दोषी ठहराया। पुणे पुलिस की थ्योरी और डॉली सक्सेना की मां मोनिका सक्सेना के बयान के मुताबिक रविंद्र सिंह जाट इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, और उसका भाई मनीष सिंह जाट उसका रिमोट कंट्रोल था, जिसकी अब हत्या हो चुकी है। लेकिन उसकी हत्या किसने की है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस के एसीपी रवीश यादव की इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत मिल पाए हैं। लेकिन संतोष की गर्लफ्रेंड डॉली सक्सेना, उसकी मां मोनिका सक्सेना, सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी और एनकाउंटर में उसके सहयोगियों के खिलाफ पुणे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन कोर्ट में यह केस अब तक किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाया है। संतोष का एनकाउंटर एक साजिश थी,
या फिर पुलिस का फर्ज, ये सवाल अब भी अपना जवाब तलाश रहा है। लेकिन संतोष की मौत एक खौफनाक अपराधी का अंत तो बन गया, लेकिन अपराध का अंत नहीं बन पाया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद।